दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। हालांकि आरबीआई ने यह कहा था कि जितने भी नए कस्टमर्स हैं, यानी कि जो भी नए कस्टमर्स बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, वो नए कस्टमर्स बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुराने जितने भी कस्टमर्स हैं वो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकेंगे, उनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि मान लो आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग्स अकाउंट पहले से था और आपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके रखा था, लेकिन किसी कारण की वजह से आपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डिलीट कर दिया था, लेकिन अब अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पुराने कस्टमर्स के कैटेगरी में ही आएंगे। दोस्तों अब इस पर यह बताया जा रहा था यहाँ पर सोशल मीडिया पर, इसके अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हैं वो कस्टमर्स के साथ में फ्रॉड कर रहे थे, जिसके वजह से आरबीआई ने इस तरह का कदम उठाया। अब दोस्तों ये फ्रॉड क्या था कि जो नए कस्टमर जाते थे बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कर्मचारी के ऊपर कुछ टारगेट रखा था कि आप जितने भी कस्टमर्स नए कस्टमर्स आते हैं उनका सेविंग्स अकाउंट ओपन करिए, इसके अलावा उनको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन लॉगिन करके दीजिए ताकि हमारा जो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का डाउनलोड टारगेट है वो पूरा हो सके, इसके अलावा उस पर रेटिंग भी दीजिए। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए ये बातें बताया जा रहा था, हालांकि ये किस हद तक सच है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी सारे कर्मचारी को अपने सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया है। तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसी कार्ड के वजह से निकाला गया है या फिर कोई दूसरा कार्ड है, ये कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आरबीआई ने भी कंफर्म नहीं किया है, आरबीआई ने सिर्फ यही कहा था कि कुछ एक्ट था जिसका उल्लंघन किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसके वजह से आरबीआई ने ये फैसला लिया। अब दोस्तों उस वीडियो में काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, काफी सारे दिनों से यहाँ पर जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो सबसे पहला कमेंट लोगों का यही होता है कि बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन कब शुरू होगा, यानी कि नए कस्टमर्स कब यूज कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि काफी सारे लोग यूज भी कर पा रहे हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जैसा कि कोई पुराना कस्टमर था और उसने पहले से बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके रखा था, बाद में उसने लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया, तो इस तरह से लोग यूज कर पा रहे होंगे, लेकिन जो भी नए कस्टमर्स हैं उस पर आरबीआई का कोई भी अपडेट नहीं है। जब तक आरबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से कोई भी संतुष्टि नहीं मिल जाता है, यानी कि कोई भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को लेकर के कोई भी सुझाव नहीं मिल जाता है, तब तक आरबीआई इस पर कोई भी फैसला नहीं लेगा। अब आने वाले समय में हो सकता है कि ये एप्लीकेशन शुरू हो पाए, अब आ गया है 2024, तो हम यहाँ पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि आरबीआई यहाँ पर चालू कर देगा 2024 में, क्योंकि अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। हालांकि काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आप अपना अकाउंट ओपन करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में और उसका रिव्यू दीजिए, लेकिन दोस्तों मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी अकाउंट ओपन करना ही नहीं चाहता। अब आप लोग बोलोगे क्यों, तो दोस्तों उसका जो मुख्य कार्ड है वो है बीओबी वर्ल्ड, अगर मैं बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाने का क्या मतलब है, आप बताइए। मैं तो नया कस्टमर हूं, अगर मैं जाऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, मुझे पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे क्या फायदा है। मेरा ज्यादातर करके जो ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, मैं उसी के जरिए ज्यादातर करके अपना ट्रांजेक्शन करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अकाउंट ओपन करवाने का कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि अगर इस पर आरबीआई कोई भी अपडेट लेकर आता है तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। इसके अलावा अगर आरबीआई इस बैन को हटाता है और नए कस्टमर्स बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे आने वाले समय में, तो मैं जरूर बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करूंगा और आपको रिव्यू दूंगा पूरा कि इसका पासबुक कैसा है, एटीएम कार्ड कैसा है, चेकबुक कैसा है। हालांकि दोस्तों मेरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ब्रांच है, मैं उस ब्रांच में गया था तो वहां के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे मेरे साथ में। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक होता है उस गवर्नमेंट बैंक के कर्मचारी अच्छे तरीके से कस्टमर्स के साथ में व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छे तरीके से कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, दोस्तों ये रियलिटी है, सच्चाई है।
100% कर्मचारी में से कहीं 75% कर्मचारी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि रिस्पॉन्स नहीं करेंगे कस्टमर के साथ में, बाकी 25% कर्मचारी ही आपको अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा कि अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन मत करवाओ जब तक बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन शुरू नहीं होता है। हालांकि जब भी शुरू होता है आरबीआई का नया अपडेट आता है तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा दोस्तों, बिल्कुल डिटेल के साथ में। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों का ये कमेंट है कि आप सर फिडेल बैंक के सेल्फी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो दोस्तों वो वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि यहाँ पर मैं स्टडी कर चुका हूँ, उसको ओनली शूट करना है, तो वो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो आप कमेंट बार बार ना करें, मैं आपके कमेंट का हमेशा से ही ख्याल रखता हूँ दोस्तों, आपका कमेंट मैं रखता हूँ कि आप जो भी कमेंट करते हो मैं उस कमेंट का रिप्लाई दे सकूं, इसके अलावा उस कमेंट के ऊपर वीडियो बना सकूं। इसके अलावा काफी सारे लोगों का ये कमेंट था कि आप IDBI बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वो भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, आप वेट करिए, बहुत ही जल्द वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, अभी तक RBI ने कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को लेकर के, तो दोस्तों जब भी अपडेट आता है तो मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपनी चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।